प्रॉब्लम ये सभी के लाइफ में है। हाँ, अगर प्रॉब्लम तुम्हारे स्पीकर सिस्टम में है, और स्पेशली कहूँ तो FND का A110 मॉडल, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखो। और जिसके पास नहीं है वो भी। ये हमारा स्पीकर है, ये डब्बे के अंदर है और ये डब्बे के बाहर है। अगर जानना चाहते हो कि इसे कैसे निकाला तो YouTube पे सर्च करो अनबॉक्सिंग वीडियो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, कोई एलियन नहीं आया, ये इसके सबवूफर का साउंड है जो कि बिना जरूरत के ही आ रहा है। इसमें ऑडियो इनपुट करके भी दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट है। स्पीकर दोनों चल रहा है। इसके सर्किट को मैंने बाहर निकाल लिया है, नहीं तुम्हें सर्च करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। सिंपली स्क्रू ड्राइवर उठाओ और वो खोल डालो। तुम सुन सकते हो कि जब मैं इसके ऑडियो आईसी के इनपुट पिन जो कि एक नंबर है उस पर टच कर रहा हूँ तो हमिंग का साउंड आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा आईसी पूरी तरह से ठीक है और इसके पावर सप्लाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हाई वोल्टेज के साइड टेप लगा रहा हूँ। सेफ्टी रीजंस। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका आईसी भी ठीक है और इसका पावर सप्लाई सेक्शन भी सही है, पर जब मैं इसके बेस के नॉब को फुल करता हूँ तो हमिंग का साउंड और बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने इसके नॉब को बाहर निकाल के चेक किया और उसमें भी प्रॉब्लम नहीं था। पता है प्रो प्लेयर से भी गलती हो जाता है। अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो इसके सभी कंपोनेंट्स को हमने चेक किया और सही पाया। क्या इसको कस्टमर को वापस कर दूं? नहीं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब कोई रास्ता ना दिखे तो दो चीज़ें खराब हो सकता है, या तो हमारा आईसी खराब होगा या तो इसके सोल्डर ड्राई हो सकते हैं। तो यार रिसोल्डरिंग करके मैंने देखा और ये सही हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेम्बर, बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है।